यस यस राज कपूर स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 1 मार्क्स लूज 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, गेट 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर, देन द सेकेंड कंडीशन 4 मार्क्स फॉर द राइट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर द डिटेक्ट फॉर द रॉन्ग आंसर, यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो हमें टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो इसमें लेट हमें करना पड़ेगा यस ने राइट आंसर। सपोज द नंबर ऑफ राइट आंसर गिवन बाय द यस इज एक्स एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गिवन बाय द यस इज वाई। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ यस अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, सो हाउ मच मार्क्स यस गोट इन द फर्स्ट केस। इफ एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर यस एक क्वेश्चन करता है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 × 1। अगर दो क्वेश्चन करता है सही तो 3 × 2, 3 करता है तो 3 × 2, ओके। एंड इफ एक्स करता है तो 3 × कितने मार्क्स मिलेंगे यस को, क्योंकि उसने एक्स क्वेश्चन राइट किए हैं। अब देखो मार्क्स, एक मार्क्स कटता है यस का, तो अगर एक क्वेश्चन करता है तो कितने मार्क्स कटेंगे, 1, और अगर दो क्वेश्चन करता है तो 1 × 2 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन करता है तो 1 × और अगर वाई क्वेश्चन करता है तो 1 × y, इतने मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। ये मार्क्स उसको मिलेंगे और ये मार्क्स उसके कट जाएंगे, तो हमें इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, 3x मिले और उसमें से माइनस हो गए 1y, तो इक्वल टू कितने मार्क्स आए इसके फर्स्ट केस में, कितने मार्क्स आए, 40, इक्वल टू 40। सो दिस इज इक्वेशन वन। जितने मार्क्स मिले उनमें से जितने मार्क्स कटे वो हमने माइनस कर दिए हैं, तो टोटल मार्क्स के इक्वल आ गए। नाउ लुक एट द सेकेंड कंडीशन, नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड कंडीशन हियर इन द क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द सेकेंड कंडीशन इट इज 4 मार्क्स यस को मिलते हैं 4 मार्क्स एक राइट आंसर करने के, तो एक्स राइट आंसर करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x, और यस के मार्क्स जो हैं 2 मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं एक गलत आंसर करने के, तो वाई गलत आंसर करने के कितने मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, 2y, तो ये माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू हाउ मच मार्क्स यस स्कोर्ड, 50। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ आई डोंट आई होप यू कैन इजली सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस हाउ टू सॉल्व। सो लेट अस यूज अ एलिमिनेशन मेथड हियर। सो इफ यू लुक एट द कोफिशेंट ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन वन, वट इज दिस कोफिशेंट ऑफ वाई, इट्स 1, एंड वट इज द कोफिशेंट ऑफ वाई इन इक्वेशन 2 2। सो इक्वल इक्वल कैसे होगा, वेन आई मल्टीप्लाइड इट विद 2, जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ओके। सो इफ आई मल्टीप्लाइड इट विथ 2, तो 3 × 2 = 6 माइनस 2y इक्वल टू 80, राइट। नाउ लेट अस राइट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन सेकेंड ईयर, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। नाउ एलिमिनेट इट, माइनस चेंज द साइन, प्लस माइनस 2y कैंसिल दिस 2y, इट बिकम 2x, 80 माइनस 30, सो द वैल्यू ऑफ x इज 15। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज 3x माइनस y, ओ आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x, सो 3 × 15 माइनस y इक्वल टू 40। ये मैं इक्वेशन 1 से मैंने लिया है, सो नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, y इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। सो करेक्ट आंसर कितने दिए हैं उसने, यस करेक्ट आंसर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 15, और रॉन्ग आंसर 5, वेरी गुड, रॉन्ग आंसर इज 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द मेन थिंग इज दिस माइनस साइन, वी हैव टू पुट द माइनस साइन इन बिटवीन द इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ दिस क्वेश्चन।